वन पेपर सीरीज में आगे बढ़ते हैं और एवरीडे साइंस के ऊपर आते हैं जी दोबारा से। और एवरीडे साइंस में 50 एमसीक्यूज इससे पहले डिस्कस हो चुके हैं और ये थर्ड सेट में हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो 51 है हमारे पास, द सैटर्न रिंग वर डिस्कवर्ड बाय, के जो सैटर्न का रिंग है वो किसने डिस्कवर किया सबसे पहले, तो वो है गैलीलियो, के गैलीलियो साहब जो हैं इन्होंने सबसे पहले 1610 के अंदर जो है इसे डिस्कवर किया। ये जो हमारे पास प्लैनेट सैटर्न है इसके जो ये रिंग्स हैं इसकी बात हो रही है। 52 है हेलीज कॉमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ, के जो हेलीज कॉमेट है ये कितने साल के बाद या कितने पीरियड के बाद हमें देखने को मिलता है, ये है जी 76 इयर्स यानी 76 साल के बाद जो है ये देखने को मिलता है। लास्ट टाइम इसको 1986 के अंदर देखा गया और अब जो है इसके बाद नेक्स्ट टाइम 2061 के अंदर जो है इसे देखा जा सकता है, ये हमारे पास हेलीज कॉमेट। 53 है जुपिटर इज द लार्जर देन अर्थ बाय अबाउट, कि जुपिटर जो है वो अर्थ से कितने टाइम बड़ा है, तो वो है 11 टाइम्स, के 11 टाइम्स जो है वो जुपिटर बड़ा है। यहां पे आप देखिए ये है जुपिटर और ये है अर्थ, तो अर्थ आप देख लें कितनी सी है इस जुपिटर के मुकाबले में, जिसका साइज आपको अंदाजा हो रहा होगा कि 10 टाइम्स बड़ा है इससे। 54 है लूनर इक्लिप्स अकर्स ऑन, के लूनर इक्लिप्स जो है वो कब होता है, जब फुल मून हो, यानी जब मुकम्मल चांद होगा या पूरा जो चांद होगा तो उस टाइम पे जो इक्लिप्स होगा वो तब ही लूनर इक्लिप्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और पूरा चांद कब होगा, जब इस तरह की कंडीशन बनी हुई हो, यानी एक साइड पे सन हो बीच में अर्थ आ जाए और इस साइड पे जो है वो चांद आ जाए, तो इसके बीच में ऐसा होगा जब जमीन आएगी बीच में, तो अल्टीमेटली जो चांद की रोशनी है वो डायरेक्टली सूर्य तक, चांद तक नहीं पहुंचेगी, जिससे जमीन उसे ब्लॉक करेगी, तो इससे क्या होगा, चांद ग्रहण हो जाएगा और ये फुल मून के टाइम पे होगा। तो फुल मून तब होगा जब यहां पे इस कंडीशन में यहां पे अलाइन करेगा और तीनों एक ही लाइन के अंदर आएंगे, सन अर्थ और मून। 55 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो सेम जो है, तो फिलहाल तक ऐसा तो कोई सेम नहीं जो कि एक ही जैसे रेवोल्यूशन और रोटेशन का टाइम लेते हों, लेकिन जो हमारे पास वीनस है इसका हमें सबसे कम गैप दिखाई देता है यहां पे, कि ये 243 डेज जो है वो लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और इसी तरह से 224 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन में, तो वीनस हमारे पास जो है वो तकरीबन हमें सेम दिखाई देता है। 56 है द हॉटेस्ट प्लैनेट इज, के सबसे गर्म प्लैनेट जो है वो कौन सा है, वो है जी वीनस, वीनस जो है सबसे गर्म प्लैनेट है। 57 है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज मिलियंस किलोमीटर, के कितने मिलियंस किलोमीटर है सूरज, जमीन और सूरज का जो फासला है वो, तो वो है जी तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर, या इसे आप कह लें 15 करोड़ किलोमीटर तकरीबन जो है ये बनता है, ठीक है। 58 है अ टेरेस्ट्रिकल प्लैनेट इज अ प्लैनेट ऑफ, के भाई टेरेस्ट्रिकल प्लैनेट जो है वो कौन सा प्लैनेट है, तो वो ऐसा प्लैनेट होगा जो कि डेंस होगा और जिसकी रॉकी बॉडी होगी, यानी जो हार्ड होगा और जिसकी रॉकी बॉडी होगी, क्योंकि हमारे पास सोलर सिस्टम में दो तरह के प्लैनेट्स हैं, एक है जी गैशियस प्लैनेट्स, ठीक है, और दूसरे हैं रॉकी बॉडी के प्लैनेट्स। तो ये जो हमारे पास है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चार प्लैनेट हमारे पास जो है यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हैं टेरेस्ट्रिकल बॉडी के, और इसके बाद जो आते हैं हमारे पास वो सारे गैसियस प्लैनेट्स हैं। 59 है द प्लैनेट हैविंग 5 मून इज, के ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके 5 चांद हैं, तो वो है जी प्लेटो, अब गो के जो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन इसके जो है वो 5 चांद हैं। 60 है प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन आर, के जो सबसे करीब जो है वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, तो वो है जी मरकरी एंड वीनस जो है ये सबसे करीब है, यहां पे देखिए ये सबसे पहले मरकरी है और उसके बाद वीनस है, ये सबसे करीब है। 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट, के सबसे चमकदार जो है वो कौन सा प्लैनेट है, तो वो है वीनस, और वीनस सबसे चमकदार क्यों है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है, सोलर सिस्टम में, लेकिन ये सबसे चमकदार इसलिए है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा थिन है, जिस वजह से वहां पे जो है चमक हमें ज्यादा देखने को मिलती है। 62 है द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और ऑफ द सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ कैन बी, कि जो ऑर्बिट्स हैं सन की जो है या जमीन के जो है वो किस तरह के हैं, वो हैं जी सर्कुलर और इलिप्टिकल। अब इसको जरा समझिएगा कि इसका क्या कहना चाह रहा है।
देखिए यहां पे आपको इस पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के अंदर ये हमारे पास है पूरा सोलर सिस्टम, ये सन है और ये इसके जो है वो प्लैनेट्स हैं। एक तो ये गोल गोल घूम रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं सर्कुलर है, ठीक है, कि कोई भी चीज जो घूमती है तो वो अपने मदार के गिर्द गोल गोल घूमती है। लेकिन दूसरा साथ में ये इलिप्टिकल है, थोड़ा सा ये चिपटे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है जैसे हम सोचते हैं ना कि बिल्कुल गोल गोल रिंग्स पे घूम रहे होंगे, ये थोड़ा तिरछा करके है अगर सादे अल्फाज में आपको समझाऊं तो, ठीक है, तिरछे हैं थोड़े से, तो सर्कुलर और इलिप्टिकल है। 63 है द फास्टेस्ट प्लैनेट, इसके सबसे तेज जो रोटेशन करता है वो प्लैनेट कौन सा है, वह है जी मरकरी, जो कि 29 माइल्स या 47 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो ट्रेवल करता है। 64 है हमारे पास द प्लैनेट दैट हैज नो सैटेलाइट इज, के ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी कोई सैटेलाइट यानी जिसका कोई चांद नहीं है, तो वो हमारे पास है जी पहले है मार्स, मरकरी या वीनस, इन तीनों में से कौन सा है, तो हमारे पास है बी एंड सी, यानी कि मरकरी और वीनस जो है पहले दो प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम के, इनका कोई भी चांद नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। 65 है द चेंज इन कलर ऑफ स्टार राइजेस ड्यू टू, के जो सितारों के रंगों में जो तब्दीली हमें दिखाई देती है वो किस वजह से है, तो आंसर है जी वेरिएशन इन देयर सरफेस टेम्परेचर, के जो उनका सतह का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से। अब इसको जरा समझिएगा कि इसको क्या मतलब है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि भाई जो सितारे हैं जो उनके हमें कलर्स दिखाई देते हैं, कोई बहुत ज्यादा डार्क रेड हमें दिखाई देता है, ठीक है, और कोई थोड़ा ऑरेंज दिखाई देता है मुख्तलिफ तरह के, तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई सरफेस की जो वेरिएशन है, तो एक्चुअली में वेवलेंथ यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो काम करती है। कि देखिए जब एक स्टार है वो हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो उतनी ही ज्यादा हीट को इमिट करेगा, ठीक है, उतनी ज्यादा हीट को छोड़ेगा, तो जब शॉर्ट वेवलेंथ होगी यानी कि जब हीट ज्यादा छोड़ेगा, बात समझिएगा, जब हीट ज्यादा छोड़ेगा तो क्या होगा कि वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होगी, तो जिससे हमें वो डेंस दिखाई देगा। लेकिन जब हीट कम छोड़ेगा, कम इमिट करेगा, तो जो वेवलेंथ है वो थोड़ी लॉन्ग होगी, तो उससे क्या होगा कि हमें वो लाइट दिखाई देगा, ठीक है, तो ये रीजन है। 66 है द नॉर्थ स्टार इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिलेशन, के जो नॉर्थ स्टार है जो शुमाल की साइड पे स्टार है हमारे, वो किस कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है, तो वो है जी बिग डिपर का हिस्सा, लिटिल डिपर का नहीं है, वो बिग डिपर का हिस्सा है। 67 है टू अ स्पेस ट्रेवलर ऑन मून द लूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर्स, के भाई जब दिन के टाइम पे चांद के ऊपर एक बंदा जो है वो सफर करता है तो उसको चांद से जमीन सूरज सॉरी जो आसमान है वो कैसा दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा डार्क ब्लैक, ठीक है, ब्लैक क्यों दिखाई देगा, कि देखिए हमें जो आसमान है, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आसमान का कलर हमें क्यों दिखाई देता है, या हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, या कलर दिखाई ही क्यों देता है, तो उसका सिंपल आंसर है कि एटमॉस्फेयर की वजह से, कि एटमॉस्फेयर में जो लाइट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं जिस वजह से हमें कलर्स दिखाई देते हैं। तो जब चांद जो है उसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा थिन है, बहुत पतला है, तो जिस वजह से आसमान हमें ब्लैक ही दिखाई देगा, वहां पर लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो भी दिन के टाइम पे भी, ठीक है। 68 है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, के जो सूरज की सबसे बाहर की जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोरोना, या उसे क्राउन भी लास्ट टाइम कहा था कहते हैं, और ये तकरीबन जो है वो 2100 किलोमीटर कोर से ऊपर की तरफ है, ठीक है, यहां पे अब देखिए आप, तो ये है कोर हमारा, तो यहां से ऊपर आप अगर आएंगे 2100 किलोमीटर, आप अंदाजा कर लें सूरज के कोर से उसके बाहर तक का फासला कितना ज्यादा है, 2100 किलोमीटर, तो ये जो बाहर की फ्लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो शोले हैं, ये हैं कोरोना। 69 है द प्लैनेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम, के सबसे ज्यादा चांद सिंपली किसके हैं, आप ये कह सकते हैं, तो सबसे ज्यादा चांद जो है वो सैटर्न के हैं 83, और उसके बाद जुपिटर के हैं 79। अब जो आप अगर किसी ओल्ड बुक से पढ़ेंगे, लेट सपोज, तो वहां पे जुपिटर आपको दिखाएगा क्योंकि वहां पे अपडेट नहीं होंगे, तो ये बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं, क्योंकि ये जो चांद डिपेंड करते हैं इनकी ग्रेविटी के ऊपर, कि जितने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि जो भी बॉडी इनके इर्द गिर्द से घूम रही होती है, करोड़ों लाखों बॉडीज हैं, तो ये उसे पकड़ के अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये इनका सीन है। 70 है एन ऑब्जर्वर एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ वेयर ओनली द पेनम्ब्रा रीजन ऑफ द मून्स शेडो विल मूव
पार्ट विल बी ऑब्जर्व, कि भाई जब एक बंदा जो है वो चांद का कुछ जो है वो रीजन देखेगा, शेडो देखेगा मून का उस रीजन के ऊपर, पिनम्ब्रा का मतलब होता है कुछ हल्का इलाका जो है वो उसे नजर आए शेडो किया हुआ, सारा नहीं। सम टाइम आपने देखा होगा कि धूप और बादल दोनों आए हुए होते हैं, तो आप देख रहे होते हैं किसी जगह पे शेड पड़ रहा होता है, कहीं पे धूप आ रहा होता है, अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये उस तरह का जो है ये हमें नजारा देखने को मिलता है। तो कहते हैं ये कौन सा है, तो ये है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, कि जब पार्शियल होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमें एक खास रीजन के अंदर जो है ये सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा। यहां पर इस पिक्चर के अंदर देखिए तो हमारे पास तीन तरह के सोलर इक्लिप्स होते हैं। एक है पार्शियल, ये जो आपको आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है जो एक खास थोड़े से एरिया के ऊपर होगा। दूसरा है एनुलर, एनुलर वो है कि जब चांद जो है वो एक ऐसी कंडीशन के अंदर हो कि वो बहुत छोटा हो जाए, तो वो जब जमीन के आगे या सूरज के आगे आएगा तो वो बहुत ही छोटा सा उस पूरी सूरज की डिस्क को कवर नहीं कर सकेगा, जिससे वो छोटा दिखाई देगा और सूरज बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और तीसरा है टोटल, अब ये मैं ज्योग्राफी में एक्सप्लेन कर चुका हूं इसलिए यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो दूसरा टोटल जो है उसमें क्या होगा कि उसमें चांद का साइज भी उतना ही होगा और सूरज का साइज भी इतना ही होगा। थोड़ा सा टेक्निकल ये एनुलर होता है, जिसको आपको ये समझना होता है कि ये जब ऐसी कौन सी कंडीशन है या किस रोटेशन के ऊपर ये होता है जहां पे ये छोटा दिखाई दे और ये पूरे का पूरा सूरज को कवर ना कर सके, जिससे जो है फिर वो जिस तरह का सूरज ग्रहण होगा तो वो छोटा एनुलर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 71 है द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, के जो सन की जो एनर्जी है वो रेडिएंट एनर्जी जो है, क्योंकि ट्रांसमिट रेडिएंट एनर्जी की शक्ल में करता है, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, वो होती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। अब वो शॉर्ट वेव वर्सेस लॉन्ग वेव हो सकती है सम टाइम, ठीक है। अब शॉर्ट वेव का मतलब ये है और लॉन्ग वेव का मतलब ये है कि देखिए जब हम सर्दी और गर्मी को खास करके प्रैक्टिस करते हैं, अब सर्दियों में हम ये देखते हैं कि सूरज जो है उसकी जो वेव लेंथ है वो लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि हम जमीन का जो फासला है सूरज से वो ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या है कि वेव लेंथ जो क्रिएट होती है, फासला ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग वेव लेंथ क्रिएट होगी। इसी तरह से जब गर्मियां होती हैं तो फिर क्या होगा, सूरज जो है वो पास हो जाता है सूरज के जमीन, तो उससे जो वेव लेंथ क्रिएट होगी वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डेंस और गर्म होता है। 72 है द प्लैनेट दैट लाइज एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सोलर सिस्टम, इसके जो सबसे बाहर का प्लैनेट है वो कौन सा है जी, वो नेपट्यून है, जो सबसे बाहर है, पहले प्लूटो था जिसे 2006 में खत्म कर दिया गया। 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स में से इनर और आउटर प्लैनेट्स पहले समझ लें। इनर प्लैनेट्स वो चार हैं जो रॉकी बॉडीज के हैं और बाकी जो हैं वो सारे के सारे गैशियस प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो जो पहले चार हैं उनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स, तो उनमें जो सबसे बड़ा है वो है अर्थ, यानी हमारी अपनी जमीन। यहां पे आप देख लिए ये सारे चारों इनर प्लैनेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ जो है सबसे बड़ी है। 74 है टाइड्स आर द हाइएस्ट, कि टाइड्स जो हैं, जो लहरें पैदा होती हैं समंदर के अंदर, वो सबसे ज्यादा हाइएस्ट कब होंगी, वो तब होंगी जब सूरज मून एंड अर्थ एक ही लाइन के अंदर होंगे, ठीक है। यानी कि ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है, जब ये एक लाइन के अंदर होंगे तो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जिससे क्या होगा कि टाइड्स बहुत ज्यादा हाई होंगी। 75 है विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, के सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ठंडा प्लैनेट हमारे पास यूरेनस, जिसका जो टेम्परेचर है वो -224 डिग्री तक जा चुका है। उसके बाद है हमारे पास नेपच्यून, जिसका है -214 डिग्री सेंटीग्रेड। 76 है एस्टेरॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन द प्लैनेट्स, के जो एस्टेरॉइड्स हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टाने हैं जो कायनात के अंदर घूम रही हैं, उनका एक खास किस्म का बेल्ट भी है, ठीक है। वो बेल्ट कहां पे है, वो है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। यानी जो यहां पे आप देखिए तो ये है मार्स और ये है जुपिटर, ठीक है। तो मार्स और जुपिटर के बीच का ये जो हिस्सा है, ये सारे का सारे जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एस्टेरॉइड्स हैं, तो इसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। बड़ी बड़ी चट्टाने हैं ये जो कि घूम रही है यहां पे। 77 है ईयर इज द लॉन्गेस्ट, के ईयर जो है वो किस प्लेनेट पे सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होगा, वो होगा नेपट्यून पे, जो कि तकरीबन 164.8 ईयर्स होंगे और ये तकरीबन जो है 60,182 अर्थ डेज बनते हैं, ठीक है।
अच्छा 78 है, द ब्राइट हेविली बॉडी विद अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल इज कॉल्ड, कि जो दुम वाला जो सितारा हमें नजर आएगा बड़ी बॉडी के साथ वो होगा अ कॉमेट या दुमदार सितारा। 79 है, द फोर लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज डिसेंडिंग ऑर्डर, उनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, फोर जो लार्जेस्ट हैं उनमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जुपिटर पहले पे है, सैटर्न दूसरे पे है, यूरेनस तीसरे पे है, नेपच्यून चौथे पे है, और उसके बाद अर्थ है, फिर वीनस है, फिर मार्स है और फिर मरकरी है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। 80 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम डज द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट, कि ऐसा सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट है जिसमें जो सूरज है वो मगरिब से निकलता है और गुरूब जो है वो मशरिक में होता है, यानी उल्टा हो रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है, मशरिक से निकल है मगरिब में, तो ये कह रहे हैं मगरिब से निकल के मशरिक में कौन सा है, तो वो है वीनस, कि हम मानते हैं कि भाई क़यामत जब आएगी तो सूरज क्या होगा मगरिब से निकलेगा, तो वीनस में ऑलरेडी जो है वो मगरिब से निकल रहा है और मशरिक में गुरूब हो रहा है। 81 है, द फर्स्ट सेटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय, के जो पहला सेटेलाइट है वो लॉन्च किया जी किसने, यूएसएसआर ने या सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, अक्टूबर 4, 1975 को, और स्पॉटनिक 1 जो है इसका नाम था, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पे ये हमारे 81 जो है वो एमसीक्यूज एंड हो रहे हैं जो कि जो है वो द यूनिवर्स से रिलेटेड है। अब यूनिवर्स से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो इंशाल्लाह आप इनके बाद जो है उसे आसानी से पास कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब एक छोटी सी डेफिनेशन हम यहां पे एट द एंड देखते हैं। अ प्लैनेट हैज टू, ये कहता है कि एक प्लैनेट जो है, एक सियारा जो है उसकी हम क्या तारीफ कर सकते हैं, ठीक है, सियारे की तारीफ आपसे यहां पे पूछ रहा है, तो वो यहां पे जो है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली क्वालिटी सियारे की क्या होगी, ऑर्बिट द सन, के वो सन के गिर्द घूम रहा होगा, सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि बी बिग इनफ दैट ग्रेविटी ओवरकम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल मेकिंग इट अप, कि इतना बड़ा हो कि जो उसका मटेरियल है जो उसकी स्ट्रेंथ देता हो, यानी उसकी जो ग्रेविटी है उसकी बहुत ज्यादा हो, जो उसे उसके अंदर की तरफ फोर्स कर रही हो सिंपली, क्योंकि अगर उसकी ग्रेविटी ज्यादा नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, बिखर जाएगा, वो नेबुला बन जाएगा। causes the planet to collapse more or less into the shape of the sphere, कि वो उसको फिर पूरा इतना यानी अंदर की तरफ जितना ज्यादा फोर्स करेगा तो अल्टीमेटली वो स्फेयर और गोल चक्कर एक बना देगा। और थर्ड क्वालिटी हो, इट हैज टू क्लियर इट्स पाथ ऑफ ऑल अदर डेब्रिस, कि भाई उसके इर्द गिर्द जो चीजें आ रही हैं, जो छोटा मोटा मलबा आ रहा है, जो छोटी मोटी चीजें कायनात के अंदर हैं, वो उनको क्लियर कर दे, साफ कर दे, यानी वो उनको भी ग्रेविटेशनल पुल के साथ खींच के अपने स्टार्स बना लेगा, उन चांद बना लेगा सैटेलाइट के तौर पे, और उनको घुमाना साथ में शुरू कर देगा, ठीक है, तो वो उसको हम कहेंगे प्लैनेट। तो इसको यहां पर जो है वो एंड करते हैं, और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए।